सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बड़ी दिनों के बाद आज लॉन्ग राइड मार रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने हेलमेट वाले ब्लॉग में बताया था कि अभी हेलमेट जो ले रहा हूँ वो मैं लॉन्ग राइड मारने के लिए ले रहा था। तो फाइनली आज वो दिन आ गया और आज हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग राइड मारने के लिए। तो आज की राइड हमारी होगी मुंबई से इगतपुरी, और मैं फर्स्ट टाइम इगतपुरी जाने वाला था। आज कुछ नया एक्सपीरियंस आने वाला है मुझे। ओहो, बाइक को थोड़ा कोल्ड स्टार्ट देता हूँ और पहले निकलता हूँ, क्योंकि अभी टाइम देखो कितना हो रहा है, 5:35 टाइम हो रहा है। तो फटाफट निकलता हूँ, क्योंकि 5:30 को निकलना था हम लोग को, 5 मिनट लेट हो गया, तो फटाफट निकल रहा हूँ उसके लिए। और बाकी सब बातें आप लोग को राइड पे ही बताता हूँ अभी, कि कौन कौन आ रहा है, किधर जा रहे हैं, क्या प्लान किया है हम लोग ने। तो चलो पहले मेरे को मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने दो, फिर आपको सब डिटेल में बताता हूँ। ऐसा आप लोगों को बता दो, आज के राइड पे हम 4 लोग जा रहे हैं, मैं, प्रतीक, शशांक और प्रतीक का एक फ्रेंड भी आ रहा है। तो आज के राइड पर हम 4 जाने वाले। अभी रूट क्या होगा, कैसा होगा, वो सब प्रतीक लीड करेगा, इसके लिए मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है। और अभी सबसे पहले तो इधर पेट्रोल की लाइट आना चालू हो गए, तो पहले सबसे टैंक फुल करा लेते। इसी प्रकार हमारी राइड अभी स्टार्ट हो गई है, सब लोग आ गए, अभी बस एक बंदे को पिक करना है, वो तो हम आगे रास्ते में उठा लेंगे उसको। अभी सबसे पहले खारघर जा रहे, उधर पहले टैंक फुल कराते, फिर निकलते फटाफट। चलो सबसे मेन काम था जो वो हो गया, एक बार हवा भी चेक कर लेते। सब हो गया, अभी टैंक फुल हो गया, ट्रिप ज़ीरो कर लिया, टायर्स के एयर चेक कर लिया, अभी सब सॉर्टेड है। अभी थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग को, तो मैं सोच रहा हूँ अभी सीधा एरोली में ही मिलूँ, क्योंकि अभी थोड़ा स्ट्रेच मारना ज़रूरी है हम लोग को। तो अभी मैं डायरेक्ट आप लोग से एरोली में मिलता हूँ, क्योंकि उधर ही फ्रेंड को पिक करना है, तो हम लोग उधर ही रुकेंगे, उधर ही आप लोग से डायरेक्ट मिलता हूँ। तो चलो गाइस, हमारा 4th पार्टनर भी आ गया और अभी हमारी राइड प्रॉपर स्टार्ट हो गई। अभी रूट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सब मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये रूट से आ रहा हूँ, तो ये रूट का मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इतना। तो जैसे जैसे जो लोकेशन दिखता रहेगा मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा कि अभी हम कौन से रूट से जा रहे हैं। बाकी यार मुंबई में ये साइड आना मतलब सुबह सुबह भी ट्रैफिक मिलता है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट टोल, इधर से होता है नासिक हाईवे स्टार्ट। आई गेस अब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगी, क्योंकि हाईवे बोलेंगे तो भाई ट्रैफिक नहीं मिलेगी, मगर क्या बोल नहीं सकते यार, इधर को हाईवे पे भी ट्रैफिक ही दिख रहा है हर जगह पर। अभी आए गए सब लोग भिवंडी साइड है, लग रहा तो वही है देख के। आगरा 1143, नासिक 122, शाहपुर 26। ओके ओके,
सुबह में ऑलमोस्ट 8 बजने आ गए, फिर भी अभी तक ठंडी फील हो रही है, मतलब बोल रहा ठंड लग रही है अभी भी, इतना नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल भी नथिंग के हिसाब से, मगर है क्लाइमेट में चेंज तो है। और अभी कुछ दिनों से ठंडी गिरने लगी है इतना। तो ये हमारा सेकंड टोल कौन सा है अब नहीं पता, ऐसे क्या होगा मेरे को नहीं समझा। पहले जो साइन बोर्ड आया था उस पर 68 किलोमीटर इगतपुरी लिखा था, और अभी जो बोर्ड आया उसके ऊपर 81 किलोमीटर इगतपुरी लिखा था। तो मैं पहले वाले नंबर मराठी नंबर में थे, इसके लिए मैं कुछ गलत समझ गया या क्या किया पता नहीं, बट अभी इधर से तो इगतपुरी 81 किलोमीटर दिखा रहा है। तो फाइनली एक ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लेने का सोचा हम लोगों ने, और होटल साई प्रांजल इधर रुकने का सोचा है। टाइम हो रहा है 8:15, मतलब 2 घंटा बाइक चलाने के बाद हम लोग फाइनली ब्रेक लिए। चलो गाइस, नाश्ता करके हो गया अभी हम लोग का, तो अभी डायरेक्ट इगतपुरी, अब सीधा इगतपुरी, अभी बीच में कोई स्टॉप नहीं कुछ नहीं, नॉन स्टॉप अभी इगतपुरी। आई गेस 81 किलोमीटर कुछ तो था, तो हम 1 किलोमीटर आगे आके ब्रेक ले लिया था हम लोग ने इधर से, तो मैं अभी तक 80 किलोमीटर तो अभी तक है, और अभी तो उतना स्टेज तो मार ही लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9, और कैसे भी एक डेढ़ घंटे में तो पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भी एकदम रेव करके नहीं चलेंगे, एक स्पीड मेंटेन करेंगे 70-80-90 बस। हाँ, नाश्ता करने के बाद थोड़ा यार पावरफुल लग रहा है, मतलब बोलते ना एनर्जी आ गया यार अभी। ये बाप रे, ये कहाँ लेके जा रहा है यार, इतना सही रोड मिल रहा है ना गाइस, मतलब मैं चाह के भी गाड़ी मेरी चौंक नहीं कर करना चाहता हूँ, बहुत सही रोड है बहुत। और बीच बीच में जो ऐसे टर्न आ रहे हैं ना, सामने का व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है, ये व्यू ऐसा लग रहा है मैं लद्दाख वगैरह साइड निकल गया होगा राइट पे। वाह यार, अब समझा इतने राइडर्स इगतपुरी राइड के लिए क्यों जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कसारा घाट और यहाँ के व्यू यार, रोड तो एक नंबर है ही, मैं बोल रहा रोड ने तो 4 चांद लगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने मस्त रोड हो गए इधर, क्या कौन आ रहे हैं यार, बहुत ही सही रोड है, बहुत ही, मतलब पूरा दिल खुश हो गया इधर आके। गाइस व्यू देखो, गाइस रोड देखो, रोड इधर से अलग रोड है उधर से अलग रोड है, जब क्या यार मेरे को बहुत मस्त लगा यार। मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा तो पता चलो, आज वो जो मैंने नया हेलमेट दिया था स्पीड एविल वो डाल के मैं आया हूँ, ताकि बोला उसका परफॉर्मेंस भी मालूम पड़ जाएगा और कितना बोले ना यूज़र फ्रेंडली है वो देखने मिल जाएगा आज। बाकी भाई उसकी कितना सही है ना एग्जॉर हेलमेट, मतलब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल एकदम बराबर फिट हो गया, और एरोडायनेमिक भी इतना अच्छे से हेल्प कर रहा है, फुल यार क्वालिटी चीज़। जो लोगों ने अभी तक वो न्यू हेलमेट वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा ना, तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, उधर आप लोग वो हेलमेट वाला ब्लॉग चेक कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने हेलमेट का डिटेल रिव्यू किया था,
क्योंकि लेने के पहले मैं मतलब मेरे से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन मेरा फ्रेंड कर पाएगा, इसके लिए उसका मैंने बोला था पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई। तो उसने अच्छे एकदम डिटेल रिव्यू दिया था हेलमेट के बारे में। तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि स्टील डेविल आई डोंट थिंक और किसी को मालूम भी होगा कि आ गया है अभी मुंबई में, क्योंकि लॉन्च तो बहुत पहले हो गया था मगर मुंबई में जल्दी नहीं आया था वो। तो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। और अभी हमारा कसारा घाट स्टार्ट हो गया है। ओहो, इसके बाजू में टर्न लेना मतलब भाई सबसे बड़ी गलती। देखो पीछे के वाला कंटेनर जो रहता है भाई डर लग जाता है रे उससे, ये लोग का मुंडी अलग घूम जाता है, पीछे का कंटेनर अलग घूमता है। यस आई एम राइट, कसारा घाट स्टार्ट हो गया। क्या टर्निंग है यार, क्या टर्न से इधर कॉर्नरिंग तो भाई फेवरेट है अपना। तो एक ब्रेक लिए, ब्रेक भी नहीं लिए एक्चुअली, इधर व्यू अच्छा है इसलिए स्टोरी निकालने के लिए रुके। वो ब्रिज देखो कितना मस्त लग रहा है, सही मस्त है यार। अभी इधर क्या सीन है, रूम क्या करने आएगा? क्या करने आएगा? सब लोग यू मार रहे हैं अभी इधर से, यू मारना ही सही रहेगा, फालतू में ट्रैफिक में फंस जाएंगे। भाई क्या सीन हो उसका, भाई ने फर्स्ट डालने के बदले रिवर्स डाल दिया, अभी पूरा दो मिनट के लिए फट दी थी हमारी। हाँ ओहो अच्छा खासा चेक है इधर तो, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, अच्छे खासे कॉप्स है यार आज, और हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चाहिए हमारे पास सब है। पसना इंटरनेशनल, हाँ इधर ही जाना है हमको, वो रहा सामने। फिर राहत मिलती है यार जो डेस्टिनेशन में हमको जाना है उस तक पहुंच जाते हैं ना, एक अलग ही राहत मिलती है। और कभी कभी बोलते हैं मंजिल से ज़्यादा सफ़र का मज़ा होता है, तो कुछ कुछ राइड ऐसे भी होती है जैसे कि आज के दिन, क्योंकि रोड बहुत सही था, व्यू बहुत सही था, घाट बहुत सही था, हमारी तो डेस्टिनेशन भी बहुत सही है, तो आज की टोटली राइड हमारी एकदम परफेक्ट होने वाली है। अभी इधर जाएंगे मस्त फोटोशूट करेंगे, और आप लोगों को पता है ये फोटोशूट किधर देखने मिलेगा, तो जल्दी जल्दी जाके मेरा इधर इंस्टा हैंडल आ रहा होगा, फटाफट फॉलो करो। ओहो अति सुंदर, मगर आई गेस ये बंद है क्या? इधर अंदर पार्किंग है क्या? और एंट्री वगैरह है क्या? कुछ एंट्री वगैरह अंदर कुछ नहीं है ना? ओके ओके अंदर ले लो ना गाड़ी सब। ओके तो चलो गाड़ी अंदर लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट पार्ट। तो चलो व्यू देखो यार, वाव यार वाव, क्या शूट होगा यार।
से अभी फोटोशूट में बहुत मजा आएगा। तो अभी हम लोग का इधर फोटोशूट चालू है, ये रहा हमारा कैमरामैन शशांक। चलो अभी रील वगैरह फोटो शूट करके तो हो गया, अभी थोड़ा अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। देखना बहुत सही दिख रहा है ये। गाइस प्लेस इतना सही है ना, मतलब फुल पीस वाला प्लेस है। आप सुन रहे हो तो सिर्फ मेरा आवाज़ आपको आ रहा है। इधर आजू बाजू में पूरी शांति है और व्यू इतने सही है ना इधर, मतलब एकदम सॉर्टेड बनाया, देखो ना आप लोग, फुल पीस। मतलब बोले जितना हम लोग थक गए थे ना राइड करने के बाद, पूरा इधर आए थोड़ा पानी पिए, पानी इतना ठंडा पानी है इधर, और वो पीने के बाद थोड़ा आराम करे। अभी वो लोग सब आराम कर रहे, तो मैं बोला थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेता हूँ, अभी इतना आया हो तो सब देखता हूँ कैसा क्या है घूम के। बट बहुत सही प्लेस है, बहुत मतलब पूरा वर्थ लगा इधर आना मेरे को। और राइड तो आप लोगों ने देखा, घाट क्या सही था, रोड भी बहुत सही था, तो मैं तो पूरा बोलते ना एक बिग थम्स अप के भाई ये प्लेस पे तो आना ही चाहिए, एक बार तो भी राइडर लोगों ने इधर आना ही चाहिए, बहुत सही था। तो बस अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं और आराम करके निकल जाएंगे अभी इधर से। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और अब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शेवल साइनिंग ऑफ।